कैन राइट इंग्लिश, वी कैन राइट इंग्लिश, वी कैन राइट इंग्लिश। अब देखिए यहां पे बच्चों ये कैन वर्ब हो गई, राइट मेन वर्ब हो गई, क्या है ये देयर इंफिनिटिव। क्लियर है, समझ में आया आपको? Yes, अब उसके बाद जीरंड, जीरंड क्या होता है? तो जीरंड में देखिए सबसे पहले लिखिए जीरंड एज ए नाउन काम करता है, एज ए नाउन काम करता है। नाउन होती है संज्ञा, एज ए संज्ञा के रूप में वाक्यों में काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? जीरंड बोलते हैं। तो जीरंड में क्या होता है, इसकी कोई टाइप नहीं होती, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब आए तो उसको कौन सा बोलते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। अरे यस या नो? अब देखिए एग्जांपल हमारा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये आपका सेंटेंस हो गया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो देखिए यहां पे पहले वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, आया समझ में? यस सर। आए वर्ब की फोर्थ फॉर्म पहले ही? हां जी सर। यस या नो? यस सर। अब देखिए हां, तो यहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म पहले आई, तो ये स्थान किसका था? नाउन का था, सब्जेक्ट का था। यस या नो? लेकिन आई क्या यहां पे नॉन फाइनाइट वर्ब एज ए सब्जेक्ट का काम, एज ए नाउन का काम कर रही है, तो नाउन के रूप में यूज किया जाता है किसका? जीरंड का। क्लियर है? अब होता है अपना नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट बच्चों? पार्टिसिपल्स। क्या? पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स की तीन टाइप होती हैं, पार्टिसिपल्स की तीन टाइप है। त्रिदेव है, त्रिदेव सुना होगा ब्रह्मा विष्णु महेश को, वैसे ही पार्टिसिपल्स अपने आप में त्रिदेव की तरह काम करते हैं। सबसे पहले नंबर का पार्टिसिपल्स को बोलते हैं प्रेजेंट, और प्रेजेंट के आगे लगा दीजिए पार्टिसिपल। उसके बाद नंबर दो को बोलते हैं पास्ट, पास्ट के आगे लगा दीजिए पार्टिसिपल्स, ठीक है? पास्ट पी, पास्ट पी, प्रेजेंट पी, पास्ट पी। अब बच्चे यहाँ पे कॉमन में मिस्टेक कर देते हैं, बच्चे यहाँ पे सीधा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिख दीजिए, वही सीरीज बोल रही है सर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और बच्चे बोलते हैं हाँ सर अगला तो फ्यूचर पार्टिसिपल होगा। नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप, अगला जो पार्टिसिपल होगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, परफेक्ट, और परफेक्ट के आगे लगा दीजिए पार्टिसिपल, तो ये आपका क्या हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए पार्टिसिपल्स की जो क्यों पड़ी, क्या होते हैं पार्टिसिपल्स, तो यहां पे लिखवा रहा हूं ये एज ए, एज ए एडजेक्टिव काम करते हैं, एज ए एडजेक्टिव काम करते हैं। किसमें काम करते हैं एज एडजेक्टिव? सेंटेंसेस के अंदर, वाक्यों में ये विशेषण के रूप में काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल्स बोलते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। आप ये कहेंगे सर ऊपर लिख तो रखिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म वही तो होती है, यहाँ पे दो दो कैसे लगाए सर? देखो बच्चों जीरंड में तो ये नाउन के रूप में काम कर रहा है, लेकिन पार्टिसिपल में एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, दोनों में फर्क है। एग्जांपल देखिए आई सा, मैंने देखी, क्या देखी? बर्निंग ट्रेन, बर्निंग ट्रेन, मैंने देखी जलती हुई गाड़ी। अब देखिए ट्रेन, ट्रेन आपकी नाउन है, आपने कैसी ट्रेन देखी? जलती हुई ट्रेन देखी, तो नाउन की विशेषता बताई यहाँ पे, ठीक है? किसने? विशेषण ने। अरे नाउन की विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है, तुमने ट्रेन देखी, तो बच्चे कहेंगे हाँ ट्रेन मैंने भी देखी थी,
पुल पे से जब गुजर रहा था तो वो दूसरा लड़का कहेगा जाओ ना तुमने तो कोई वो नॉर्मली ट्रेन देखी होगी ऐसी तो मैं रोज देखता हूँ। तो तीसरा लड़का कहता है ट्रेन तो मैंने देखी। बोला अच्छा तेरी वाले में क्या खासियत थी? बोला मैंने जलती हुई ट्रेन देखी, आग लगी हुई ट्रेन देखी। आया समझ में? Yes, sir. तो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हो गया बर्निंग, क्लियर हो गया। अब सेकंड है बच्चों पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसके अंदर। किसके अंदर है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, एज एन एडजेक्टिव काम करेगा। जैसे हाँ ही स्लैप्ड। उसके बाद यहां पे आप कीजिए He went और यहां पे अगला आगे है He went slap during his visit to Delhi। हाँ भाई, जब है दिल्ली गया तो वो दिल्ली कैसे गया? स्लैप, सोता हुआ गया। अरे कैसे गया? अपनी यात्रा उसने कैसे की? जिस भी गाड़ी में था, ट्रेन में था, उसने अपनी यात्रा को कैसे किया? सोते हुए किया, ठीक है। उसके बाद अब अगला है, अगला सेंटेंस इसी में और करवा रहा हूं पार्टिसिपल का, पास्ट पार्टिसिपल का। वो है He got red-handed by police। हाँ भाई, उसे पुलिस के द्वारा कैसे पकड़ा गया? रंगे हाथ पकड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया? पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर है। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? Having been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। किसके अंदर है? परफेक्ट पार्टिसिपल से के अंदर, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे है I am having been और अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। I am having been और gone there। I am having been gone there। ओ वहां तो मैं वहां तो जा ही रहा हूं, मैं वहां तो जा ही रहा हूं। I am having been there। ओहो मैं वहां पे तो था ही, रे वहां पे तो मैं बनाई हुआ हूं। तो यहां ये क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ टू इन्फिनिटिव और बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए किसी मॉडल के साथ बेयर इन्फिनिटिव और जीरेंट में एज ए नाउन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल तीन टाइप के, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट एज पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव का काम करेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी लेकिन एज एन एडजेक्टिव का काम करेगी। पास्ट पार्टिसिपल जो किसी भी एक्टिव से आप ऐसी वॉइस बनाते किसी भी सेंटेंस की तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, याद होगा ये फॉर्मूला, वह पास्ट पार्टिसिपल ही होता है आपको, ठीक है।
तो उसके बाद आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग बीन प्लस वर्ब है, की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। आशा उम्मीद करता हूं कि नॉन फाइनाइट का ये फर्स्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा और जल्दी आपके लिए सेकंड लेक्चर भी मैं अपने इस चैनल पे लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए इस वीडियो को आग की तरह, ताकि सब पढ़ने वाले बच्चों तक ये वीडियो आसानी तक पहुंच सके और वो बहुत कुछ सीख सके इस वीडियो से। थैंक यू। अब इस क्लास में इतना ही।